नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव। और इस वक्त आपको बता दें कि सीधे तौर पर विजुअल्स दिखाएंगे कि आखिर अमित शाह ने क्या कुछ कहा और उसके बाद वरिष्ठ जितने भी नेता हैं भाजपा पार्टी के उनका क्या कुछ कहना था, प्रतिक्रियाएं दिखा देते। जनता के साथ धोखा दिया, लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई के अंदर जाके अपने बड़े बड़े बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट किए और जम्मू कश्मीर की जनता को यहाँ की जो मुख्यमंत्री रहे, स्टेट के अंदर जो सरकारें रही, उन्होंने हमेशा गरीब जनता को धोखा दिया। पहली बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने और हमारी केंद्र की सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के साथ बहुत बड़ा इंसाफ किया है। ये जो निर्णय आया है ये जनता के हित में है। हमें इस पल का जो इंतजार पिछले 70 साल से था, मैं सभी देशवासियों को जो भारतवासी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि ये 70 साल में जम्मू कश्मीर को, जो कि भारत का अभिन्न अंग है, उसको अभिन्न करने के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार ने लिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों का जो सपना है यहाँ के राष्ट्रपति लोगों का, वो पूरा होगा, तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। देखिए, आजाद भारत में जो सबसे बड़ी भूल की गई थी कश्मीर के संबंध में पंडित नेहरू जी के द्वारा, और उसको एक विशेष दर्जा लेने की जो संवैधानिक भूल करी थी, उस भूल को सुधारने का इंतजार लंबे अरसे से भारत की जो जनप्रिय लोकप्रिय जो जनता है वो अपने नेताओं से आशा कर रही थी और वो आज पूरी होती हुई दिख रही है। एक राष्ट्र, एक भाषा, एक कानून भी होना चाहिए, हर देश में है, यहां भी होना चाहिए। और इसके लिए जो इस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत हुआ है, मैं समझता हूं कि आजाद भारत के इतिहास का ये स्वर्णिम दिन है और इसे को, इस ऐतिहासिक दिन को लोग युगो युगों तक याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा पदस्थ शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवा खंड 1 के नामक चलिए, आपने साफ देखा कि अमित शाह ने किस तरीके से कहा कि जब ये धारा बिल्कुल हटा दी जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा रोज़गार बढ़ेंगे, विकास रियासत का बढ़ेगा। और अगर हम भाजपा के जितने भी लीडर्स हैं, नेता हैं वरिष्ठ, उनका कहना सुने तो वो भी सीधे तौर पर यही कह रहे थे कि काफ़ी सालों से इन चीज़ों से हम घिरे हुए थे, लेकिन आज एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आने के बाद लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, विकास की तरफ एक नई राह पर भारत चल पड़ा है, जिसकी वजह से रियासत जम्मू कश्मीर में भी विकास होगा। फिलहाल देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव।